भाई ये 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है यार। ओ भाई ये आपका वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलीएस्ट बॉर्डर माना जाता है। दो बार मुझे चोट लगा था। अरे सॉरी सर जी, सॉरी एकदम सॉरी। क्या हाल है देखो, बहुत गंदा वाला बारिश चालू हो गया, अब पता नहीं क्या होने वाला है यार। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटना। आज है day 2। हम लोग का आज का जर्नी होने वाला है टुवर्ड्स आपका नारायणगढ़ वाया वीरगंज। वीरगंज में जाके हम लोग कस्टम ऑफिस में अपना वंसार और रोड परमिट जो भी है वो सारा कर लेंगे, अलॉन्ग विद सिम एंड मनी एक्सचेंज। इसके अलावा अभी का टाइम हो रहा है सुबह 8। निकलने का हम लोग का है तो वैसे तो इच्छा था 7 बजे के आसपास, बट थोड़ा लेट हो गया। उसका रीज़न ये था कि पूरा बॉडी पेन कर रहा था रात को। आए तो तब उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया था, सोने के टाइम समझ में आया कि एक बार भी उठे ये कैसे देखो। यहाँ का सीन अभी ऐसा, इस होटल में पता नहीं टूर करने चला गया है तो कौन कौन का टूर नहीं करा पा रहे, वैसे निकलने का टाइम हो गया है। बट जो इसका प्राइस और लोकेशन रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। एंट्रेंस आपका यहाँ से है, रूम नंबर था हम लोग का 205। रूम आपका कुछ ऐसा है, डबल बेड है बट इसमें आराम से 3 जन सो सकता है, फिर भी हम लोग एक एक्स्ट्रा मैट्रेस ले लिए थे। रूम थोड़ा आपको अनटाइडी मिलेगा बट कोई नहीं। एसी है, बाथरूम आपका स्पेशियस है, टीवी है, एक वार्डरोब है और गौरव दवी यहाँ पे। तो ये है राहुल कुमार, यहाँ के मैनेजर। आप फोन मैनेजर है भैया, यहाँ पे सारा देखभाल यहाँ पे यही करते हैं। आपको कुछ भी लगेगा आप, मैं इनका नंबर ऐसा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बुकिंग रिलेटेड या कोई भी आपको हेल्प होगा रिगार्डिंग जाने के रूट में या खाने पीने का, आप इनसे पूछना, सारा हेल्प आपको मिल जाएगा। इस रूट से आओगे मतलब कोलकाता से आओगे टुवर्ड्स यहाँ, और आपको इस जगह से राइट लेना है। राइट लेने के टाइम पर ही आपका जो सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर वाला रोड है वो आएगा, और उसके ठीक सामने पड़ेगा आपका ये वाला होटल लोटस पैलेस रेस्टोरेंट एंड आपका रूम्स अवेलेबल है। लेट मी रिमाइंड यू, यहाँ पे रूम जितने भी हो सारे डबल बेडेड रूम है। मान लो अगर आप लोग 4 जन आ रहे हो तो आप लोग को 2 रूम लेना पड़ेगा। टैरिफ वैरिफ का डिटेल्स जो भी रहेगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपको अगर लेटेस्ट टैरिफ चाहिए होगा तो आप जो नंबर दिया हुआ है राहुल कुमार जी को आप फोन कर दीजिएगा, आपको टैरिफ पता चल जाएगा। बाय द वे एक चीज़ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये है कि आपका जो लोकेशन है बहुत प्राइम है, क्योंकि अगर आप टुवर्ड्स नेपाल जा रहे हो तो बेस्ट लोकेशन आपका ये होगा, क्योंकि यहाँ से ही आपको टर्न लेना है, आपका बहुत टाइम सेव होगा और आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो अगर आप नेपाल जा रहे हो ना टू चेक इट वंस। आपसे बाद में मिलना होगा फिर कभी, ठीक है राहुल जी, ज़रूर मिलेंगे आपसे फिर बाद में कभी, कभी इधर आना हुआ तो पक्का, ठीक है। सो हम लोग अब निकल रहे हैं, day 2 का स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम हो रहा है 8:30। ये रहा आपका होटल लोटस पैलेस रेजिडेंशियल, रेंको आपको हर तरह का फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगा, फुल एसी है। मैं नंबर ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके स्टार्ट करते हैं जर्नी। ओके अंकल, लोकेशन वाइज मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि आपको इसी मोड़ से आपको राइट लेना है टुवर्ड्स नेपाल वीरगंज की तरफ जाने के लिए, तो बेटर होगा अगर आप नेपाल जाने का प्लान कर रहे हो और अगर आप पटना में स्टे करना चाहते हो। आई थिंक लोकेशन वाइज एंड हॉस्पिटैलिटी वाइज दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन एंड दिस इज़ द बेस्ट होटल। सो पूरा ब्रिज में जैम लगा हुआ वैसे, बट हम लोग अभी आपका है गांधी सेतु के ऊपर, और भाई ये 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है यार, इस तरफ भी एक ब्रिज बना हुआ है, देखो क्या सही है। तो गांधी सेतु में गंदा फंसे हैं हम लोग, वहाँ पे एक ब्रिज और था और लोकल बता रहे थे कि अगर आप 10 किलोमीटर उधर जाते हो फिर उधर से जाते हो तो आप इस जान से बच सकते थे, बट अभी फिलहाल हम लोग ऐसा जगह में यहाँ से गाड़ी घुमा भी नहीं सको, अभी फिलहाल कुछ देर के लिए हम लोग गांधी सेतु में स्टक हुए हुए हैं। देखते हैं यहाँ से कब क्लियर होता है। वैसे व्यू काफ़ी सुंदर है बट ये जैम मूड ख़राब कर दिया और कुछ नहीं। यार मैं तो सोचा था यार गांधी सेतु पूरा खाली मिलेगा, भाई स्पीड में बाइक चलाऊंगा एक बढ़िया फुटेज आएगा, शायद भगवान को ये बात पसंद नहीं आई। एनीवेज कोई नहीं, आप ऐसे ही गांधी सेतु एंजॉय करो। मैं भी एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे इतना रश है ट्रैफिक का। ये नदी इतना बड़ा होने का, इतना चौड़ा होने का रीज़न है आपका, यहाँ पे 2 नदी आके ज्वाइंट होता है, गंगा नदी तो है ही जैसे, और आपका नेपाल से जो काली गंडक रिवर है वो यहीं पे आके मिल जाती है, मिल जाने के बाद उनका खुद का एक अपना जो वाइड एरिया है वो आके यहाँ पे ऐड कर देता है। दैट्स वाई ये पटना का जो गांधी सेतु है वह इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बन गया है। 2 गाड़ी के लिए जैम लगा है, रात को एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, दैट्स वाई यहाँ पे समस्या हो रहा है, अब गाड़ी को ठीक करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब समझ में आया, अभी भी गांधी सेतु का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, तो आप थोड़ा नेचर इन्जॉय करो यहाँ का। चलो अब हम लोग आपका एंटर करने वाले हैं हाजीपुर। ये वाला जो ब्रिज था गांधी सेतु, ये आपका पटना को हाजीपुर से कनेक्ट करता है।
यार में भाई एम्बुलेंस को भी साइड मिलना बहुत मतलब चाप वाला बात है। देखो मतलब एम्बुलेंस देख के भी कोई रास्ता खाली नहीं कर रहा है, साइड नहीं बना रहा है, जबकि लेफ्ट साइड में स्पेस है, खाली कर सकता है रास्ता, बट पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। आना चाहिए यार, यहाँ पे सीखना चाहिए लोगों को यार। देखो कोई साइड नहीं दे रहा है। अरे हम लोग से आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय इनका है जो एम्बुलेंस के अंदर बैठे हैं। कोई जान से लड़ रहा है यार, ये लोग रास्ता खाली नहीं कर रहे यार। लेफ्ट वाला रास्ता चला जा रहा है आपका हाजीपुर टाउन और राइट जा रहा है टुवर्ड्स मुजफ्फरपुर। ये चौक बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी सेतु क्रॉस करने के बाद आप फ्लाईओवर मत लेना, फ्लाईओवर के नीचे से आपको बाएं तरफ से आना पड़ेगा अगर आपको मुजफ्फरपुर जाना है तो, अदरवाइज फालतू घूमना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा। आई थिंक मेरे बाएं तरफ जो लाल वाला घर दिख रहा है, ये लाल वाला बहुत ऊंचा जो वो दिख रहा है बिल्डिंग वॉल, ये एक्चुअली जेल है शायद। हाँ ये जेल है, हाजीपुर का जेल। जेल के बाहर कितने लोग थे भाई। यहाँ पे भी आई थिंक एक एक्सीडेंट हुआ है, टायर फट गया इनका। ये भी जैम रिपोर्ट कर रहा था गूगल, बट अभी वो जैम रिपोर्ट नहीं कर रहा है। वैसे इस जगह का नाम बाएं तरफ जो पड़ा था वो है लालगंज। दबंग अगर आप मूवी देखे हो तो जिस जगह के वो सलमान का जिस जगह का पुलिस रहता है वो लालगंज था। अब ये वाला लालगंज था कि नहीं पता, बट नाम को रिजेम्बलेंस में लिया गया है। सो अभी फिलहाल रुके हुए हैं मुजफ्फरपुर एकदम बाईपास के पास में। रीज़न ये था बहुत ऐसे चला रहे थे और गांधी सेतु का वो जैम के बाद वीडियो बनाने का उतना मौका मिला नहीं, तो इसलिए इस जगह पे रुके रहा। केला वेला खा रहे, पानी वानी पी रहे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाला रास्ता है बाईपास की तरफ जा रहा है ये पकड़ लेंगे, और आप मेरे उधर वाला जो रास्ता देख रहे हो वो आपका जा रहा है मुजफ्फरपुर टाउन के अंदर, सॉरी सिटी के अंदर, मुजफ्फरपुर सिटी एक्चुअली। तो यहाँ से अब निकलते हैं टुवर्ड्स बीरगंज कस्टम ऑफिस, बीच में कहीं मनो का ऊपर के लिए ब्रेक और लेंगे। सो मेरे राइट में आप जो देख रहे हो वो है आपका मुजफ्फरपुर टाउन, वो रास्ता अंदर चला गया, और ये वाला बाईपास आपका लेफ्ट से होके जा रहा है टुवर्ड्स मोतीहारी। और आपको मुजफ्फरपुर के बारे में बताऊं तो मुजफ्फरपुर आपका फेमस है फॉर लीची, लीची का जो खेती है सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, यहाँ का लीची फेमस है भाई। लेकिन अभी तो देखते होंगे आप लीची का जो मतलब प्रोडक्शन है बहुत कम गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम पर जो होता था। ये रास्ता आगे जा रहा है टुवर्ड्स मोतीहारी, और मोतीहारी से ये रास्ता हमें कनेक्ट करेगा बीरगंज कस्टम हाउस तक। ये बाईपास तो फिलहाल अभी अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं आगे कितना दूर तक ये ऐसा रहता है। ये पहला डाइवर्जन मिला हम लोग को मोतीहारी जाने वाले हाईवे के ऊपर। ये हाईवे का नंबर तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, बट शायद ये NH 27 होना चाहिए, मुझे रखना होगा मेरे को, क्योंकि ये एक मेन रोड है। ये रोड है आपका छपरा वाला कोई रास्ता है, छपरा की तरफ जा रहा है। देख के देख, सीधा सीधा सोजा 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 भाई, जितना भी चेक पॉइंट है ये सब जगह में पता नहीं पुलिस क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता है। कोई भी कभी भी आके यार एक्सीडेंट कर सकता है यार। बट एक चीज़ तो है यार, रास्ता काफ़ी खूबसूरत है इधर का, पूरा एकदम खाली है, बहुत साइड आपका खेतों खलिहान है, बस बीच बीच में ऐसे ना आए ना अपोजिट साइड से तो भी सही है, रास्ता उधर है पता नहीं फिर भी अपोजिट साइड से क्यों आ रहे लोग। इधर भी आपका आया डाइवर्सन, ये सेकंड डाइवर्जन है। तो ये वाला जो अभी फ्लाईओवर है ये कंप्लीट नहीं हुआ है काम, जिस कारण से हम लोग को यहाँ से डाइवर्सन लेना पड़ा, लेफ्ट लेके वापस रास्ता उठ गया आपका टुवर्ड्स मोतीहारी। और सामने कोई रेलवे स्टेशन है आई थिंक, का नाम तो मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है। ये वाला एरिया आपका इतना पता है सोनपुर डिवीज़न के अंडर आता है शायद, लिखा हुआ तो है सोनपुर मंडल, जगह का नाम है लश्करीपुर, और एक फेमस मोड़ जहाँ से रास्ता वापस हम लोग पकड़े, मतलब उस डाइवर्सन के बाद हम लोग को लेफ्ट लेना था कंटिन्यू करने के लिए, उस मोड़ का नाम था लालू राबड़ी मोड़। आपको बोर्ड भी दिख जाएगा ठीक है, लालू राबड़ी मोड़ का, वहाँ से आपको लेना है लेफ्ट और वापस इस हाईवे पे जुड़ जाना है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, टाइम हुआ है 11, ना तो अभी कोई चाय पीने का मन है ना उतना भूख लगा है, इसलिए अभी और हम लोग शायद 60 किलोमीटर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। AH 42 शायद यहाँ तक आपका था डिवाइडर के साथ, अब आने वाला है बोथ लेन का रास्ता सेम ऐसे। सो मोतीहारी हम लोग कर रहे हैं क्रॉस, टाइम हो रहा है आपका 11:58, मतलब 12 बजे हम लोग मोतीहारी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से अभी भी आपका बीरगंज कस्टम ऑफिस का डिस्टेंस है 55 किलोमीटर्स, गूगल के हिसाब से अभी भी 1 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है, बट हम लोग को थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर ब्रेक लेने वाले हैं।
तो मेरे को तो जगह का नाम नहीं पता भैया, फिर भी हम यहाँ रुक गए। भैया से बात हुआ, काफी अच्छा लगा। वैसे ये जगह का नाम क्या है भैया? समरा स्टेशन है। समरा, अच्छा अच्छा। ये जो रेलवे ट्रैक है ये रक्सौल की तरफ जाती है क्या? जी यही स्टेशन है। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ से सुगौली, हाँ हाँ, सुगौली से एक सीधे चले जाइएगा आप वही गोरखपुर, गोरखपुर की तरफ ना। अच्छा अच्छा, वहाँ से दाहिने रक्सौल। अच्छा, सो अभी हम लोग को इसी पे कंटिन्यू करना है बीरगंज के लिए। 40 मिनट में हो जाएगा और क्या। ठीक है भैया, आते हैं, मिलकर अच्छा लगा आपसे। एकदम एकदम एकदम, अरे थैंक यू। आते हैं भैया, ठीक है, हाँ आइएगा तभी। हाँ इधर से, अगर इधर से लौटेंगे तो मिलेंगे आपसे। यहाँ पे रुक के भैया से थोड़ा बात कर लिए, थोड़ा रेस्ट भी मिल गया। भैया बोले थके हुए लग रहे आप, मेरा चौकी पे ही सो जाइए। हम बोले भैया सोएंगे तो आँख लग जाएगा, बैठ जाते हैं आपके चौकी पर। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब कस्टम ऑफिस का डिस्टेंस है ओनली 40 किलोमीटर, सही सही चलाए तो 45 मिनट्स लगेगा। सेमरा रेलवे स्टेशन मेरे राइट में ही है और ये आपका रेलवे ट्रैक आगे रक्सौल होकर फिर गोरखपुर की तरफ भी चला जाता है। सो यहाँ से बीरगंज नेपाल जो कस्टम ऑफिस है वो और बचा है सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर। हम लोग एकदम बॉर्डर के आसपास है। बॉर्डर जाने का भी दो रूट था, एक स्ट्रेट दिखा रहा था आपका अंदर से गांव के अंदर से, और ये रास्ता हाईवे के ऊपर से था। तो गांव के अंदर से वाला स्लो दिखा रहा था बट किलोमीटर कम था। हम लोग उसको स्किप करके हाईवे वाला पे ही रानुष के जा रहे हैं ताकि रास्ता खाली मिलेगा तो जल्दी खींच लेंगे। आप लोग वही करना, गांव वाला रास्ता को गूगल मैप आपको दिखाएगा ना तो उसमें जाना मत। जो लेफ्ट साइड में आपको जो मेन रोड पड़ेगा हाईवे वाला उसी पर कंटिन्यू करना। एकदम बिहार नेपाल के बॉर्डर के पास, अब यहाँ का व्यू कुछ अलग ही मिल रहा है यार। रोनू राना हो गया। आई होप आपको रक्सौल का ये वाला शॉट अच्छा लगा होगा। वैसे क्योंकि बॉर्डर के पास ड्रोन उड़ा नहीं सकते हैं इसलिए यहाँ का शॉट लेने का मन लगा, और ऐसे भी देख के बड़ा अच्छा लगा, ग्रीनरी भरती था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा शॉट। अगर अच्छा लगा ना सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, एफर्ट डाले जा रहे हैं चैनल को और अच्छा बनाने का। बाकी आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं अब नेपाल बॉर्डर की तरफ, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर बचा हुआ है। इस तरफ है आपका पीछे की तरफ इंडियन कस्टम ऑफिस और इस ब्रिज के उस पार है आपका नेपाल कस्टम ऑफिस। मतलब ये जो ब्रिज है आपका, ब्रिज या कनाल बोल सकते हो, यही डिवाइड कर रहा है आपको इंडिया और नेपाल से। और ये जगह कितना क्राउडेड है यार, पर रश हुआ हुआ है इस जगह पे। दो बस नेपाल का गेट वो दिख गया भाई, वन ऑफ द क्रेजी एक्सपीरियंस है भाई वो रहा। क्या जमावड़ा है तो गाड़ी का। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, पर जान देख के तो लग रहा है भाई काफ़ी क्राउड है इधर। फाइनली वी आर एंट्रिंग नेपाल। ओ भाई क्या ही कहने हैं यार, मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप। ओह यहाँ पे एक फोटो तो बनता अपना यार। तो वो जो आप देखे वो था आपका गेट, एंट्री गेट बोल सकते हो, और ये आपका है एंट्री पॉइंट। हम लोग का आई थिंक यहाँ से लेफ्ट लेके जाना है बीरगंज कस्टम ऑफिस, ये रहा। यहाँ पे आई थिंक अपने को परमिट एंड ऑल वंस आर जो भी रूल्स है वो सारा मेंटेन करना होगा। चलो ये आपका बीरगंज का कस्टम ऑफिस। सो अभी फिलहाल क्या है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, उससे सारा बाइक का जो नंबर प्लेट है उसका फोटो होगा कि हम लोग एंट्री कर रहे हैं अलॉन्ग विद जो भी हम लोग का सामान रहेगा। तो ये प्रोसेस था, मुझे पता नहीं था। इसलिए देखो सारे गाड़ी यहाँ पे पार्क किया है, वो कैमरा से यहाँ पे शूट होगा, उसके बाद वंसार का जो परमिट का प्रोसेस है वो पूरा कम्प्लीट होगा। वंसार का अभी भी कॉस्ट आपका 200 रुपीज़ ही है, हम लोग 10 दिन का बनवा रहे हैं तो 2000 रुपये हम लोग का उसमें लगेगा।
वैसे सुनते हैं कि मैक्सिमम 7 डेज का मंथ मिलता है, बट थोड़ा रिक्वेस्ट करने से 10 दिन का मिल जाता है। बहुत कुछ ऐसा रूल्स है जो अपने को आज पहली बार पता चल रहा है, ऐसा रूल्स अपने को पता था नहीं, बट काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है अभी। सो 1 साल का काम हुआ कम्प्लीट। याद रखना, इंडियन करेंसी का अगर 1 रुपीज़ होता है तो नेपाली का 1.6 होगा। मतलब अगर मान लो अगर इंडिया में आप 100 रुपये अगर खर्चा करते हो तो जैसे नेपाल हो गया आपका 100 रुपये 160 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ पेमेंट करोगे, जैसे 1 साल में ही पेमेंट करोगे तो नेपाली करेंसी में अगर आप पहले एक्सचेंज कर लेते तो गुड, अगर नहीं करते हो तो उसको 1.6 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद ही पेमेंट करना। बाकी डिटेल्स आपको बाद में बताते हैं, अभी थोड़ा बिजी है, ऑन द रूट है, तो ये बता नहीं पाएंगे, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। भाई फील नहीं हुआ कि मतलब एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, लग रहा है कि वो वापस अपने ही जगह पे आ गए हैं। बस लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए, फिजिकल अपीयरेंस और ये सब बदल गया, बाकी हर चीज़ सिमिलर है। सो अब यहाँ पे हम लोग को आई थिंक 1 साल दिखाना होगा। तो दो बार मुझे चोट लगा दिया। अरे सॉरी सर जी, सॉरी एकदम सॉरी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम वॉलंटियर हो गया। हाँ yes. आपका हम लोग का एक्चुअली मुक्तिनाथ का टूर है, मुक्तिनाथ काठमांडू का टूर है सर। हाँ हाँ हाँ, पहले मुक्तिनाथ जाना है सर, उसके बाद काठमांडू जाना है। अभी सर आप लोग का कंडीशन ठीक है यहाँ पे फ्लड के बाद? ओके ओके, थैंक यू, आप इतना बता दिए, बहुत हेल्प हुआ। सो ऑल गुड, ऑल साउंड्स हैप्पी। गलती से नेपाल के पुलिस को 2 बार मैंने मार दिया, मेरे जो पीछे वाला सैडल बैग है उससे चोट लगे उनको 2 बार। बट 5 मिनट्स लेटर। अच्छा भैया का नाम है वैसे मुन्ना भैया है, बेटा है? अरे वाह, बेटा भी साथ में आ गया, स्कूल से आ रहा है अभी। हेलो, हाय करते बेटा। ऐसा बस। सो मुन्ना भैया के पास आपको सिम और आपका करेंसी एक्सचेंज दोनों हो जाएगा। सिम का जो प्राइस होगा आप इनसे ही पूछ लेना, हर टाइम पता नहीं क्या यहाँ का जो चेंज होगा तो वो होगा। 100 रुपीज़ नेपाली में, 100 रुपीज़ नेपाली करेंसी में खाली सिम का कॉस्ट है। उसके बाद रिचार्ज पे डिपेंड करता है, जैसे हम लोग 11 दिन का 22 GB लिए हैं एक सिम का, तो हम लोग को 300 करके पड़ा ना, और 315 करके पड़ा। और जो इंडियन करेंसी से अगर नेपाली करेंसी में आप एक्सचेंज करो तो मुन्ना भाई आपको हेल्प करेंगे। अभी का रेट फिलहाल 1.6 है, 1 से 1.6 होगा, ये चीज़ है। बाकी इनका फ़ोन नंबर आप चेक करो, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो इनका नंबर भी रहेगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर लेना। जैसे आप 1 साल बना के बॉर्डर क्रॉस करोगे इनको एक बार कॉल कर लेना, अगर आपको कोई लोकेशन के रिगार्डिंग कुछ चाहिए। बाय द वे लोकेशन भी जियो टैगिंग में रहेगा, आपको कोई इशू होने वाला नहीं है। सो थैंक यू मुन्ना भैया, आप इतना हेल्प किए और आपके लिए छोटा एप्रिसिएशन। ये मेरे ही यूट्यूब चैनल का एक की टैग है, ये मेरे चैनल का एक लोगो है, और ये मेरा खुद का एक सीट है, वो भी थोड़ा बता दीजिए। जो ब्रोकर मतलब लोग क्या करते हैं, जो लोग भी आ रहा है ना, पहले डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके बात कर ले मेरे से। अच्छा ठीक, उससे प्रॉपर आपको गाइड कर देंगे। आपका भंसार में मिलने 125 रुपीज़ INR में लगता है, 200 रुपये नेपाली पर डे के हिसाब से लगता है। अच्छा, वेस्ट बंगाल बाइकर लोग के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ता है, बस आइए मजा सुनिए और जाइए। सो मुन्ना भैया का ये वाला बात याद रखिएगा आप, ठीक है। जैसे अगर आपको 1 साल या परमिट बनाना है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन होगा, भैया थोड़ा बिजी रहते हैं, फिर भी एक बार फोन घुमा लीजिएगा, उठा लेंगे। ओके भैया, थैंक यू। रास्ता इधर का जितना ही अच्छा है, लोगों का आना जाना उतना ही ज़्यादा लगा हुआ है इस रास्ते पर भी। जैसा बिहार में कुछ कुछ मिल रहा था कि जहाँ तहाँ से लोग आ जा रहे थे, वैसे ही कुछ कुछ फिलहाल अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट रास्ता चौड़ा है तो अपने को कटाने में ईजी पड़ रहा है, और कुछ नहीं। अभी का टाइम हो रहा है 4, यहाँ से नारायणगढ़ का डिस्टेंस है 126 किलोमीटर, जो कि हम लोग को करना ही है। और सामने आपका नेपाल का फ्लैग एकदम बढ़िया से वेव हो रहा है, मस्त लग रहा है देख के। चौक से हम लोग को लेना पड़ा राइट, बीरगंज बाईपास रोड का जब एंड आया उसके बाद से हम लोग को राइट लेना पड़ा। और अगर देखा जाए तो यहाँ का हाईवे ये है, और इस हाईवे का नंबर है नेपाल का H01।
एक टाइम पे ये पूरा नदी ऐसा उफन गया था, मतलब सब अपना बैंक्स तोड़ते हुए चला गया था। आज ये पूरा नदी ड्राई है, शायद ये काली गंडक नदी ही होगा, पर पूरा ड्राई पड़ा हुआ है यार। सब वहां जाके खेल रहे नदी के बीच में, बताओ। अभी भी यहाँ से 92 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, गूगल के हिसाब से 2 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है। हम लोग तो होटल बुकिंग नहीं करके रखे जानबूझ के, ताकि कितना दूर पहुंचेंगे, कितना जर्नी करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग को कौन सा होटल बुक करना है। हो सकता है हम लोग नारायणगढ़ नहीं पहुंच पाए, तो अगर पहले से बुकिंग करके रखते तो लॉस हो जाता, इसलिए हम लोग स्पॉट बुकिंग करेंगे। तो नारायणगढ़ पहुंचने के बाद हमें होटल भी खोजना है, वहां पे भी थोड़ा टाइम अपना खेलों का। क्या हाल है देखो, पूरा मतलब जब बाढ़ वाड़ आया था सब गाछ वाछ टूटा, हर जगह जहां जहां से मन हुआ वहां वहां से पानी निकला, और आज पूरा ये रिवर ड्राई है। कोई बोलेगा यार ये हाल है नेपाल का आफ्टर फ्लड, तो जरा सा भी पानी नहीं है, देखो पूरा ड्राई है, मतलब इस पार से उस पार आप ऐसे ही जा सकते हो। अब जाके ये पहला नदी दिखा है जिसमें थोड़ा पानी एटलीस्ट दिख तो रहा है। कौन सा नदी है मेरे को नाम तो नहीं पता, मे भी काली गंडक ही होगा क्योंकि उसके किनारे किनारे हम लोग ही जा रहे हैं। अब ठंडा तो भाई धीरे धीरे करके लगना चालू हो गया डे टू में ही, अब अंधेरा होने वाला है भाई, जितना खींचना है खींच लो अंधेरे से होने से पहले, उसके बाद और चलाने नहीं मिलेगा। यही सोच के मैं अब थोड़ा सा यहाँ से खींच ले रहा हूँ, मुश्किल से मुश्किल आपका होगा 20-25 मिनट के बाद पूरा अंधेरा हो जाएगा। अब शाम ढल चुका है भाई, अभी अभी देखने को मिलेगा नहीं। तो क्या खूबसूरत लग रहा है यार, एक एक करके देखो पहाड़ ख़त्म हो रहा है ऐसा लग रहा है, अब लाइन बाय लाइन एक एक करके ड्रॉप होते जा रहा है, बहुत सही। अगर हम लोग दिन को अगर ये क्रॉस कर पाते तो ये और सुंदर लगता है ये जगह। तो वापस बहुत गंदा वाला बारिश चालू हो गया, अब पता नहीं क्या होने वाला है यार। इस जगह का नाम है वैसे मनहारी, नारायणगढ़ यहाँ से अभी भी 48 किलोमीटर है। अब ऐसे बारिश में चलाना कितना ठीक रहेगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सोच रहा हूँ थोड़ा रुक के डिस्टेंस लूँ क्या करना है। रात को चलाना कितना टफ है आप अभी का ये सिचुएशन देख के समझ जाओ, ऑपोजिट साइड से लाइट्स पे लाइट्स आए जा रहा है और मुझे ना के बराबर कुछ दिख रहा है, और अभी भी मुझे 18 किलोमीटर जाना है क्योंकि ये जंगल वाला एरिया चालू हो गया है, बीच में कोई होम स्टे या कुछ मिलने वाला है नहीं। मजबूरी है कि मुझे नारायणगढ़ तक चलाना ही पड़ेगा, अब मैं ऐसे ही मैनेज करके चला रहा हूँ फिलहाल। सो किसी कारण से ही बोला, इंजीनियर्स होते हैं हमें समझाते हैं ना कि कुछ भी हो जाए आप माउंटेन्स पे आप रात को ना ही चलाएं तो बेहतर होगा। अभी रात का टाइम है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मेरे लेफ्ट साइड में नारायणगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो होगा। आप गूगल मैप का ये वाला फ़ोटो देखो, आपको यहाँ पे देख के समझ में आएगा। और जस्ट हम लोग नारायणगढ़ अब एंटर किए हैं, अब हम लोग का जो सर्च है वो है रिगार्डिंग होटल, वही बढ़िया सा कोई होटल खोजना होगा जहाँ पे आज रात को स्टे कर सके एटलीस्ट। देखते हैं अभी क्या, एयरपोर्ट इलाका है ना यहाँ, थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होगा, पर अंदर जाके घूमते हैं।